बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे वालों सारे मेरे प्यारे दे भरावां नूं अल्लाह पाक हमेशा तुहानूं खुश रखे, आबाद रखे, जिहड़े दुख तकलीफ अल्लाह पाक तुहाडे दूर करे, तुहाडी जिंदगी च खुशियां ही खुशियां भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो शुरू करने तो पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर तुसीं साडा चैनल देसी विलेज ब्लॉग सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब कर लो, जिहड़ा बैल का बटन प्रेस कर लो ताकि साडी आने वाली हर वीडियो पर वक्त मिल सके। अच्छा जी, सुबह सुबह का टाइम लगियां, मतलब सब उन्हों का गला नहीं ठीक, जुकाम होया वा, खट्टी चीज़ खाणो हटते नहीं है, तो फिर कल पे हुए। तो हूँ मैं ना गर्म पानी करके ना वेच मतलब शहद पा के दिनी हाँ। अगले दिन दी तसी तो बिल्कुल ठीक हो गए से। फिर मैं कल मैनू उन्होंने कहा ही नहीं तो मैं बना के नहीं दिता, याद मैं क्या बिल्कुल ठीक हो गया। कहते मैं ना गर्म पानी करके ना वेच दे शहद पा के शायद पाक दिनी हाँ। छोटा शायद छोटा माखी मैं ना कल नीचे उन्हें चुल्हा चुक के तार लगाए थे, इस करके चुल्हा ना भी जल गया। हूँ पानी अच्छी तरह गर्म कर दिया, दो उबाले आन दूंगी। तो यह शायद इन्ना छोटा माखी तो चम्मच भी कोल रख लिया, फिर गर्म पानी पा के भी दिनी और खुद भी पीनी हूँ। वैसे भी कहते मेदे वास्ते ना बहुत ठीक होंगे वा गर्म पानी करके हल्का नीम गर्म तो बिच शहद एक चम्मच पा के डेली पियो ना बंदा, मतलब कि मैं मतलब बता मेदा भी ठीक रहा वा और बंदे दे एक्स्ट्रा चर्बी होंगी वह भी बंदे की खोर खुल जाती है, बंदा पतला हो जाता है। मैं यह काम करना चाहिए, लेकिन फिर यह है कि अगर सुबह बंदा शहद के एक चम्मच पा के गर्म पानी में शहद पा के पीवे, फिर दो ढाई तीन घंटे बाद रोटी खानी है। मैं फिर जो नाश्ता मैं पिछले दिन मतलब करती रही हूँ तो टूना टूना इस तरह किया, क्योंकि फिर पहले तो मैं पानी गर्म करना शहद का बिच पा के पी लेना, तो होर ठीक दस पंद्रह भी मिनटों बाद नाश्ता सब्जी सब उन्होंने बना के देना तो नाल ही नाश्ता कर लेना। लेकिन कहते कि दो घंटे दिन नाश्ता नहीं करना। मैं फिर ना टूना किया है, लेकिन जो ना उल्टा किया सीधा नहीं किया। अल्लाह का शुक्र अज जो मौसम बिल्कुल ठीक है, धुप निकली है, धुंध भी नहीं पई और बारिश भी नहीं है, बदल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, धुप निकली है सुबह सुबह ही। अल्लाह का शुक्र अज धुप सेकांगे, धुप के बच्चे बंद काम जल्दी मुक जाते, धुप ना निकले तो जल्दी काम भी नहीं मुकते, कोई भी नहीं मुकता सर्दी के नाल। तो अम्मी जी उन्होंने हाँ सॉरी अम्मी जी ने भी गल हुई सी, बाई फ्यास ना भी और मैविशना भी हुई सी। तो मैविश ने मैंने दसिया कि मैं मैविश ने कहा, मैं क्या मैविश आके चार दिन रह जा साढ़े को। कहते भी पहले ना अम्मी जी उन्होंने आना वा तो मतलब नानी अम्मी के कोल अपनी माँ के कोल, कहते भी आना वा मामा जी उन्हें नज़दीक है, इतने मेरे कोल ही रहते हैं, इन्नी दूर नहीं रेंदे, नानी मिलन आना वा रात रहन आना अपनी माँ के कोल। तेरा तो गल हुई सी अम्मी ने, मैं अम्मी जी रह जाओ तेरी माँ वा, मिल जाओ अपनी अम्मी न और भाइय भी मिल जाओ, भाभी भी मिल जाओ, भतीजे भतीजियाँ बड़ा चा करते हैं। तो अम्मी जी उन्हें कहते से भी मेरे ना जोड़ ज़्यादा होए आ, सोजा निकलिया हुई वा तो दर्द हो रही है, इस करके फिर जी अगर मेरी तबीयत ठीक हुई फिर अज अं आवेंगे भाई फ्यास से अम्मी दिन मेरे को रहन गए तो दो घंटे मेरे को बैठन गए तो फिर अपना नानी अम्मी को चले जाएंगे। देखो हम की करते अज आते कि नहीं आते, इंतजार तो है तो हले मेरी गल नहीं हुई क्योंकि नाश्ता करते ना अम्मी जी उन्हें भी इस टाइम फिर धारा वगैरह कटते होंगे नाश्ता बनाते होंगे, फिर इस करके मैं ना कॉल थोड़ी लेट ही करती हूँ। बड़ी खुश हाँ भी अम्मी ने अज आना वा, देखो हम आँगी कि नहीं आँगी, अल्लाह खैर करे अगर आई तो फिर तो मौजा। यह वाला मग है ये पानी जरा ना एक शहद की चमच पा के कर लिया ना, तो फिर इन्हें कपड़ों पा पा के लगे पी दो चम्मच पानी, क्योंकि दो कप बनाने मेरा भी दिल कर रहा पीने।
दो चम्मच मैं जो है ना पाले है शहद दे, फ्रेश शहद। पानी मेरा चंगी तरह उबल गया वा, हूँ थोड़ा जहा ठंडा करके फिर मैं पानी हाँ मगे दे, इन्ना ठंडा नहीं करना क्योंकि सर्दियाँ ही अंदर जाते जाते तीकर काफ़ी ठंडा हो जाना वा। कर दिया चूल्हा बंद, गैस बिल्कुल ठीक है निकलता। एक कप मेरा एक मतलब है जो मगे च भी है कप च भी है चौधरी साहब ने चाहिए, मैं हम लेके जा रही हूँ अंदर इंदे अज खेलन मालन दे धुप निकली अल्लाह का लख लख शुक्र। मैं भी हूँ पी लैनी हूँ, नाश्ता थोड़ी लेट बनावा, नाश्ता थोड़ी लेट बनाऊंगी। अगर मैं अगे मैं दस हटी मेरे भैन भाइयों कि मैंने टूना किसी ने दसिया से कि मैनू नहीं सी पता भी, मैनू वाकई नहीं सी पता भी दो तीन घंटे बाद बंदा नाश्ता करे, मैं 10 मिनटों तो बाद नाश्ता कर लेती गर्म पानी दे शायद मिक्स करके जो पी लेंदी सी, कहते फिर बंदा ना पतला हो जाता है चर्बी चुर्बी बंदे की खुर जाती है। रोज़ मैं हूँ शहद ख़त्म होया वा, मैं ना लऊंगी शहद तो फिर टूना करिया करना, गर्मियाँ तो वैसे नहीं हुंदा शहद वाला तो सर्दियाँ बंदा पी लेंदा। कहते ग्रीन टी ना भी बंदा पतला हुंदा। मैं भी ताई हासा आया पीवे तो ताई है ना। अच्छा जी अभी धुप निकली है, अब जाना भाई शहद वाल तुसे? अच्छा आ जा रही वीर दी शटरिंग अल्लाह तल। अच्छा आज जाना शुरू कर दी बनी, माशाल्लाह माशाल्लाह। नसीब करे, बड़ी मेहनत करते आ, बड़ी मेहनत करते आ, दिल दे साफ आ बिलकुल बहुत अच्छे आ, बाह भी फड़ी आ ना। हां जी अगले दिन मेरी कहने ना गल हो रही सी, पता नहीं मैं तस्वीर से देखी काफी मतलब उच्ची आ लगन दिया घर, हले तो जो उपर हो दूसरी मंजिल भी बन गई किन्ना प्यारा लगेगा, दरवाजे भी उस गाठा भी लग गई है ना, हूँ नक्शे का पता लगता है ना वेस इस तरह वो तो छोट जो छोटा छोटा से मैं गई सी उदो बिल्कुल हिसाब लगन दिया, अज शायद अम्मी होनी आन। नानी अम्मी ने मिले नाना पता फिर बुजुर्ग है शादी ते भी नानी अम्मी नहीं जा सके, नज़र नहीं है नानी अम्मी दी, बनाई है दो बारी ऑपरेशन भी कराया लेकिन नज़र जरा ना बनी नहीं है, ते अगे जाना वा उन्होंने आपी जो गई सी। मैं क्या मामा अपनी आओ मिलन मामू आ, पहले इन्होंने आना साढ़े को आन के घंटा दो ही फिर पता छोटे छोटे दिन फिर अपनी माँ को जान गए, अल्लाह तंदुरुस्ती देवे फिर ही आने। पता नहीं अम्मी मैं राती गल हुई सी हुई 2 मिनट एक तो नैटवर्क का इन्ना स्यापा बारिश पई हो गल ही नहीं होंगी, तो अम्मी जी कह रहे थे कि अगर मेरे जोड़ ठीक हो तो फिर जरा मैं अपना आ करूँगी। अच्छा जी फिर मैं भी जरा ना पानी गर्म किया शहद मिक्स किया मैं भी पी लैनी हाँ, तो वीडियो दें मैं इतनी करती हाँ इस सारी आई जी वीडियो ना, मम्मी जी हमने थोड़ा जहा काम करते होंगे इस टाइम वेले हो जाए फिर अम्मी जी उन्होंने पूछती हूँ आना कि नहीं आना। अगर वीडियो साढ़े भैन भाइयों अच्छी लगे लाइक और शेयर करो, सुनते हो इजाजत, अल्लाह हाफिज़।